अनचाहे बालों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारी लेडीज अनचाहे बालों से परेशान है, वो चाहे उनके चिन का बाल हो या कान के साइड का या फिर अपर लिप्स का। इसे रिमूव करने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाती हैं, जैसे कि वैक्स है या फिर थ्रेड। ये तरीके से जो हमारा स्किन है वो लूज हो जाता है और जल्दी से स्किन सिकुड़ने लगता है। अगर हम क्रीम या रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो जो दोबारा से बाल आता है वो बाल बहुत ही ज़्यादा मोटे और तगड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और घना हो जाता है बाल। तो अपने स्किन को क्लीन करने के लिए, हेयर को एकदम से हमेशा के लिए हटाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करके इसे रिमूव कर सकती हैं। इसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं वो भी हम बताएंगे, और ये रेमेडी जो है ना ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसका और भी बेनिफिट है वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए चॉपिंग बोर्ड लेंगे। यहाँ पर मैंने लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड लिया है। आपके पास अगर सिलबट्टा है तो आप वो भी ले सकती हैं, मगर जो लोग सिटी में रहते हैं उनके पास सिलबट्टा नहीं रहता है, मतलब ज़्यादातर लोगों के पास सिलबट्टा नहीं रहता है, तो उसके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। अब हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर एक गेंदे का फूल डालेंगे इस तरीके से तोड़कर। इसके पंखुड़ियों को अलग कर लेना है, साथ में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ लेंगे। अगर आप सिर्फ गुलाब का पूरा यूज़ करना चाहती हैं तो आप वो भी ले सकती हैं, गेंदे के फूल को स्किप कर सकती हैं। मगर गेंदे का फूल जो है ना ये बहुत ही बढ़िया असर करता है और साथ ही साथ इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा आपके स्किन के ऊपर। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे चिरौंजी। फ्रेंड ये एक ड्राई फ्रूट रहता है, खीर वगैरह में हम इसे डालते हैं, तो चिरौंजी हमारे स्किन को बहुत ही स्मूथ और फेयर बनाता है। तो चिरौंजी आप ज़रूर से डालिएगा, बस 5 से 6 दाने चिरौंजी के डालना है। अब साथ में इसमें डालेंगे कच्चा दूध गाय का। यहाँ पर आपको रॉ मिल्क ही लेना है, यानी कच्चा दूध लेना है। आप दूध को उबालकर मत इस्तेमाल करिएगा, और इस तरीके से डालकर इसे पीस लेना है बेलन की सहायता से। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उस पर पीस ले। अगर आप चाहती हैं कि इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं तो जी नहीं, इतना थोड़ा सा क्वांटिटी में आप उसमें अगर पीसेंगी तो अच्छे से नहीं पिसाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस तरीके से इसे हमें पीस लेना है। फ्रेंड वीडियो जरा से भी यूजफुल लगेगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया है, ये देखिए, और ये करीब आधा छोटा चम्मच के करीब हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, और ये जो पेस्ट है ना सिर्फ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमारा हेयर आसानी से रिमूव हो जाएगा बिना दर्द के, बिना किसी झंझट के। और ये 100% नेचुरल रहेगा, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो आपके स्किन पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच शुगर पाउडर, यानी चीनी को पीस कर पाउडर बना लें और उसे इसके अंदर डाल दें। अब साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच भर के गेहूं का आटा। फ्रेंड जो गेहूं का आटा रहता है वो स्टिकी बहुत ज़्यादा होता है, और आपने सुना भी होगा कि पहले के लोग जौ के आटे और गेहूँ के आटे को उपटन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती थी, इसकी वजह से उनके स्किन पर बाल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं रहता था। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले जो लेडीज रहती थी उनके स्किन पर बहुत कम क्वांटिटी में बाल का ग्रोथ रहता था। कुछ लोगों को जन्म से ही बाल होते हैं, कुछ लोगों को बड़े होने पर होता है, और कुछ लोगों को एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बाल का ग्रोथ भी बढ़ता है। तो ये हमारे कुछ जेनेटिक चीज भी होती है और कुछ हमारे हार्मोन्स के चेंज होने पर भी होता है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों में होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसे हटा नहीं सकते हैं या इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है। जी नहीं दोस्तों, आप इस तरीके से अपने हेयर को रिमूव कर सकती हैं हमेशा के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाला है, और चुटकी भर इसमें मैंने डाला है फिटकरी का पाउडर, यानी एलम। फिटकरी का पाउडर जो है ना ये हमारे बाल के रूट को कमज़ोर कर देगा, जिससे बाल बहुत ही आसानी से स्मूथली से निकल जाएंगे और आपको जरा सा भी दर्द नहीं होगा, और आपका स्किन भी टाइट रहेगा, क्योंकि एलम से जो स्किन है वो टाइट भी रहती है और स्किन पर जो दाग धब्बे रहते हैं वो भी रिमूव हो जाता है। अब इसे हमें अपने क्लीन फेस पर, क्लीन त्वचा पर लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले अपने हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको अपने फेस पर भी लगा कर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड बस इस तरीके से आपको अपने क्लीन त्वचा पर लगा लेना है, और लगा कर
आप चाहे तो मसाज कर लीजिए 5 से 7 मिनट के लिए, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत मसाज चाहिए तो आप ज़रूर से करिएगा। मसाज करने से त्वचा के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही अच्छे से होने लगता है। तो यहाँ पर हमें 20 मिनट हो गया है और देखिए ये ड्राई हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हल्के हाथ से रब करेंगे और इसे निकालेंगे। फ्रेंड ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, क्योंकि जब आप हल्के हाथ से ऐसे रगड़ेंगी ना तो ये आसानी से रिमूव होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है, जी नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर लगाएंगी तो आपकी स्किन पर रेडनेस आ जाएगा, मगर ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कच्चा दूध और चिरौंजी का इस्तेमाल किया है, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकलेगा और आपके जो हेयर है वो भी टूट के निकल जाएंगे जड़ से। और इस तरीके से जब हेयर निकलता है दोस्तों, तो वापस उस जगह पर हेयर का ग्रोथ नहीं होता है, यानी धीरे धीरे आपके जो बाल का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा और देखेंगे कि एकदम से ख़त्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे निकाल लिया है। अब हाथ को अच्छे से प्लेन पानी से धो लेंगे, यानी नॉर्मल पानी से हमें धोना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हाथ पहले से क्लीन भी हो गया है, त्वचा पहले से साफ भी हो गया है और बाल तो देखिए पहले से बहुत ही कम हो गया है। तो फ्रेंड ये तो हो गया हाथ में लगाने का तरीका, चलिए आपको फेस पर भी लगाकर दिखाती हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। फ्रेंड आप चाहे तो कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकती हैं, एलोवेरा जेल लगा सकती हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने फेस पर भी लगा के रख लिया था और अभी 25 मिनट हो गए हैं, फेस पर भी ये काफ़ी ड्राई हो गया है, तो चलिए इसे निकाल कर दिखाती हूँ। अगर आपका लिप बहुत ज़्यादा ब्लैक रहता है तो आप अपने लिप पर भी इसे लगा सकती हैं, इससे लिप का रंगत पहले से साफ हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा डार्क है ना, तो आप देखेंगे कि उसका भी कलर पहले से हल्का हो जाएगा, यानी आपके नेचुरल कलर में आपका लिप हो जाएगा, तो इससे कलर भी बहुत ही अच्छा से फेयर होता है। आप ट्राई करके देखिएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप ट्राई नहीं की है तो करके देखिएगा, जब से करेंगे नहीं तब से भरोसा कैसे होगा, तो आप करके देखिएगा। आपको इसे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करना है, पॉसिबल है तो रोज़ भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आपके स्किन को नुकसान करेगा, तो आप इसे इस्तेमाल करके देखिएगा। अब इसे हमें इस तरीके से रब करना है बाल के अपोजिट साइड में, मतलब नीचे से ऊपर की साइड करेंगी ना इस तरीके से, तो बाल टूट कर निकल जाएंगे। और हमने इसमें एलम डाला था ना, उसकी वजह से बाल और भी आसानी से टूट जाते हैं। तो इस तरीके से रब करके पूरा इसे हमें निकाल देना है, उसके बाद फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है पानी से। फेस वॉश वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और एक आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया है और आप देख सकती हैं रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं है एक बार में चमत्कार होगा, मगर हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि आप इसे लगातार अगर 1 से 2 महीने तक कर लेती हैं ना, तो आप खुद बोलेंगी कि वाकई में बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स का, वो भी रिमूव हो जाएगा, मतलब उससे भी ये काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।